सो हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर टॉप 3 MIUI थीम के बारे में, जिसको आप अपने MIUI 12 वाले किसी भी Xiaomi फोन के अंदर इंस्टॉल करके यूज कर पाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट रहेगा हर बार की तरह, अगर आपको थीम्स और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पसंद आया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए मैंने 3 ऐसी थीम को सिलेक्ट किया जो आपको अगस्त महीने के अंदर टॉप में देखने को मिल जाती है। तीनों थीम आपको ऑफिशियली थीम स्टोर पर मिल जाएंगी। तो चलिए यहाँ पर पहली थीम को हम देख लेते हैं। तो दोस्तों पहली थीम का नाम है फैंटास्टिक, ये भी आपको ऑफिशियली थीम स्टोर पर मिल जाएंगी। लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां पर जाके आप इसको आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों हमने इस थीम को अप्लाई कर लिया है, कुछ इस तरीके से दोस्तों आपको फर्स्ट लुक इस थीम के साथ देखने को मिल जाता है। चलिए अभी यहाँ से हम लॉक स्क्रीन को देख लेते हैं। तो दोस्तों लॉक स्क्रीन आपको वेरी सिंपल देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छा सा एक डार्क मोडेड यहाँ पर आपको वॉलपेपर दिया गया है। बात की जाए यहाँ पर होम स्क्रीन की, तो दोस्तों होम स्क्रीन के अंदर थोड़े से आपको कस्टमाइजेशन वगैरह देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पाइडरमैन वाला यहाँ पर आपको एक वॉलपेपर दिया गया है और यहाँ पर आपको कुछ अच्छे से क्लॉक विजेट देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर कस्टमाइजेशन के जो ऑप्शन है उसके अंदर आपको वॉलपेपर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आपको ये वाला वॉलपेपर पसंद नहीं है तो आसानी से यहाँ पर आप जो इसके अंदर प्री इंस्टॉल वॉलपेपर से उसको यहाँ पर सेलेक्ट करके यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कई सारे वॉलपेपर देखने को मिल जाते हैं, तो मुझे ये वाला वॉलपेपर अच्छा लगा है तो मैं रख देता हूँ। उसके बाद दोस्तों अगर आपको ब्लर वगैरह अप्लाई करना है तो ब्लर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको ऐप डॉक का यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो अगर आप इसको एक्टिवेट करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको इफेक्ट वगैरह देखने को मिल जाएगा। तो इसको हम हटा देते हैं। यहाँ पर दोस्तों बात की जाए आइकॉन पैक की, तो इस तरीके से आपको मिनिमल वाले आइकॉन देखने को मिलने वाले इस थीम के साथ। और दोस्तों यहाँ पर बात की जाए इसके कंट्रोल सेंटर की, तो भाई साहब इसका कंट्रोल सेंटर काफी दमदार है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको पूरा कंट्रोल सेंटर का UI देखने को मिलने वाला है। अभी दोस्तों यहाँ से हम सेटिंग वगैरह भी देख लेते हैं, तो सेटिंग वगैरह कुछ आपको इस तरीके से नॉर्मल सा देखने को मिल जाता है। और डायलर वगैरह की UI की बात की जाए तो वो भी आपको यहाँ पर सिंपल सा देखने को मिल जाता है। तो पूरी तरह से दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको ये थीम देखने को मिलने वाली है। अगर आपको अच्छा लगा है डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारी जो दूसरी थीम है उसका नाम है हाइड्रा पावर V12, ये भी आपको ऑफिशियली थीम स्टोर पर मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों फर्स्ट लुक कुछ इस तरीके से आपको इस थीम के साथ देखने को मिल जाता है। फिर से हम दूसरी थीम का भी यहाँ पर लॉक स्क्रीन चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्का सा यहाँ पर आपको एक जूमिंग इफेक्ट देखने को मिलता है अगर आप पहली बार इसको लॉक करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको साइड बार का भी सपोर्ट दिया गया है, तो कुछ इस तरीके से व्हाट्सएप टेलीग्राम और बाकी सारे ऐप से उसको यहाँ से आप मैनेज कर पाएंगे। साथ में यहाँ पर आपको टॉर्च का एंड सेटिंग का ऑप्शन दिया गया है, तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम इसको भी ओपन करके देख लेते भाई होम स्क्रीन का लुक। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको होम स्क्रीन का लुक देखने को मिल जाता है। पीछे एक अच्छा सा डार्क मोडेड वॉलपेपर यूज किया गया है। और दोस्तों यहाँ पर बात की जाए विजेट्स की, तो कुछ इस तरीके से आपको ISO स्टाइल यहाँ पर विजेट्स जो है इस थीम के साथ प्रोवाइड किए गए हैं। उसके बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको आइकॉन पैक देखने को मिल जाता है इस थीम के साथ। चलिए अभी हम इस थीम का जो कंट्रोल सेंटर उसको देख लेते। तो दोस्तों कंट्रोल सेंटर का जो पूरा UI कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है आपको। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात की जाए सेटिंग की, तो सेटिंग का UI कुछ भी यहाँ पर चेंज नहीं हुआ है। सेम उसी तरीके से शायद आपको डायलर का भी UI देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको पूरा ये थीम देखने को मिल जाता है। अगर आपको ये थीम अच्छा लगा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बात की जाए तीसरे और आखिरी थीम की, तो उसका नाम है डिसेंट मिन मी, तो ये भी आपको ऑफिशियली थीम स्टोर पर मिल जाएंगी। तो चलिए अभी हम इसको देख लेते। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट लुक कुछ इस तरीके से आपको इस थीम के साथ देखने को मिल जाता है। यहाँ पर हम वापस से लॉक स्क्रीन को देख लेते हैं, तो दोस्तों लॉक स्क्रीन कुछ इस तरीके से आपको डार्क मोडेड वॉलपेपर के साथ देखने को मिल जाता है। इसके साथ भी दोस्तों आपको एक अच्छा सा साइड बार दिया गया है जिसके अंदर आपको एक कंट्रोल सेंटर का जैसा UI यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जिससे आप टॉर्च वाईफाई ब्लूटूथ को मैनेज कर पाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों पूरा जो कंट्रोल सेंटर है वो इस तरीके से वर्क करने वाला है। तो चलिए अभी हम यहाँ पर
होम स्क्रीन को देख लेते हैं। तो दोस्तों होम स्क्रीन कुछ इस तरीके से आपको इस थीम के साथ देखने को मिल जाती है। यहाँ पर दोस्तों बात की जाए आइकॉन्स की तो कुछ इस तरीके से आपको स्टॉक एंड्रॉइड जैसे आइकॉन्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको कुछ विजेट्स का सपोर्ट भी देखने को मिलने वाला है। और साथ में दोस्तों अगर आपको यहाँ पर क्लॉक स्टाइल चेंज करना है तो यहाँ पर आप क्लॉक स्टाइल चेंज भी कर पाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों पूरा इसका जो सेटअप है वो आपको देखने को मिल जाता है। तो जो भी क्लॉक स्टाइल आपको पसंद है उसको यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात की जाए कंट्रोल सेंटर की तो भाई साहब यहाँ पर भी आपको एक बढ़िया सा कंट्रोल सेंटर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। कुछ इस तरीके से आपको पूरा कंट्रोल सेंटर का यूआई देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप डार्क मोड वगैरह यूज करते हैं तो इस थीम के साथ आप डार्क मोड भी यूज कर पाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी खासी तरह से यहाँ पर डार्क मोड है वो चल रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको तीसरा और आखिरी थीम देखने को मिल जाता है। अगर दोस्तों आपको इन तीनों थीम में से कोई भी थीम पसंद आता है तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसको डाउनलोड कर पाएंगे। तीनों थीम का डाउनलोडिंग वहां पर मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो उसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे और भी नए वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।